कैसे व्यू कर रहे हैं। नरेश, गुड आफ्टरनून, आप कैसे देख रहे हैं बाजार को? 17,200 आपका बड़ा स्टॉप लॉस है, उससे ऊपर ही मार्केट, सो नथिंग टू वरी। वही एक्सपेक्टेशन है, 17,100 से 17,400 का छोटा सा रेंज है, और जब तक जो हेवी वेट्स है रिलायंस के अलावा कोई और सपोर्ट नहीं करता है तो ये रेंज में फ्लिप फ्लॉप होते रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक प्राइस एक्शन जो आज डिफरेंट दिखाई दे रहा है वो ऑटो नेम्स में। ऑटो स्टॉक से जहाँ पे मोमेंटम बरकरार रहा है, ये एक सेक्टर है जो इंटरेस्टिंगली प्ले आउट हो रहा है, और ओवरऑल इंडेक्स में वही है 35,800-35,900 बैंक निफ्टी पर, 17,000-17,100 निफ्टी पर। नरेश, क्या ऑटो स्पेस से होंगे आपके रिकमेंडेशंस? तो वहां पे दो रिकमेंडेशंस होंगे, एक बायोन अशोक लेलैंड जो एक छोटा फ्लैग ब्रेकआउट देने के उस पर है, अगर वो 130-131 क्रॉस होता है तो कंफर्मेशन होगा। करंट लेवल्स पे बाई है, स्टॉप लॉस 125 और टारगेट 145 होगा। और दूसरा बाय होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने कंसिस्टेंट मोमेंटम बताया हुआ है और स्विंग हाइज भी सब क्रॉस कर चुका है और अच्छा रिकवरी हुआ है लो से। यहाँ पे बाय होगा, स्टॉप लॉस 890, टारगेट 1,000 रुपीज। जी, शुक्रिया आपका, आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस और मार्केट पर अपना आउटलुक